अनिल जी, आपको कृषि मंडी का चेयरमैन बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बगरू मंडी को स्वतंत्र प्रभार मंडी बना करके आपने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ बहन गंगा देवी जी को, जिन्होंने मुझे कई लोगों से लड़ाई लड़ कर के भी मुझे इस पद पर बैठाया। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही था और मुझे इस पद पर बैठा करके और मेरा मान और अभिमान बढ़ाया है। मैं माननीय मंत्री मुरारीलाल जी मीणा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और तमाम कांग्रेस के आला कमानों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं किसानों की हित के लिए इस कृषि मंडी बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ और किसान की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं इसी आने वाले समय में बगरू विधानसभा में भी मेरा काम रहेगा। मैं बगरू विधानसभा में विधायक गंगा देवी जी जो चुनाव लड़ेगी, मैं उस चुनाव में पूर्ण रूप से भागीदारी लेकर के और मैं उनकी कांग्रेस को विजय बनाने की गारंटी देता हूँ। और बहन गंगा देवी ही चुनाव जीतेगी और कोई यहाँ से विधानसभा से कोई चुनाव जीत भी नहीं सकता। धन्यवाद। अनिल जी को कृषि मंडी का चेयरमैन बनाया गया है बगरू में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हर वर्कर है, काम करेगा, अच्छा मौका था, बना दिया। अभी चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो बगरू को? बगरू को काम कर रहे हैं, जनता को काम कर रहे हैं, गहलोत साहब काम कर रहे हैं खूब, तो कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस का एमएलए जीतेगा। धन्यवाद।